ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, बारिश का मौसम। हल्की सी काट के देखूंगा, देखता हूँ कैसे लगूंगा, फिर मैं सारी काट लूंगा। अगर चुके हैं और बॉक्स ये रहा, तो जल्दी से अनबॉक्स करो निजाम भाई इसको, जल्दी से देखते हैं क्या है इसमें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बारिश हो चुकी है कराची में, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हो चुका है कराची का। और वैसे तो हम अभी गुलशन मेमार में हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के बाद बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो हम निकले हैं घूमने के लिए मेमार, देखते हैं कौन कौन सी जगह पे कैसा लग रहा है। तो कुछ हमें सामान भी लेना था, निज़ाम भाई मेरे साथ हैं, तो कुछ खाने पीने का जो लंच का सामान है वो लेना था, तो चलते हैं मार्केट। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, बारिश का मौसम। किस जगह पे, बहुत कराची की बहुत सारी लोकेशन पे दरिया बन गया होगा, यहाँ गुलशन मेमार में इतना दरिया नहीं बना। तो निज़ाम भाई जो है एटीएम गए हुए हैं, वो थोड़े से पैसे निकाल के फिर जाएंगे मार्केट। यहाँ से लगता है बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, बहुत काला काला लग रहा है, और इस तरफ से इतना काला नहीं है, यहाँ से बारिश आ रही है। तो गाइस ये है जी गुलशन मेमार की नवाज शरीफ पार्क, जो हमेशा बंद होती है, और इस तरफ भी एक पार्क है, ये भी हमेशा बंद होती है पार्क, ये भी हमेशा बंद ही रहती है। यहाँ से गेट है इसका, मगर बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ओए होए होए, क्या बात है भाई, बाहर आए हैं तो सिनेमैटिक वीडियो बना लेते हैं, सिनेमैटिक वीडियो बहुत अच्छी लगती है इस मौसम में। अभी तो बारिश रुकी हुई है, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है तो बाहर से सामान भी लेकर आते हैं खाने पीने का। बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है और मेरे हाथ पांव बहुत दोनों ठंडे हो गए। निज़ाम आ गया भाई, निज़ाम आ गया, आ गया आ गया, ये आ रहा आ रहा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यही या नहीं, थंबनेल के लिए यहाँ पिक्चर नहीं निकालें, निकालो तुम्हारी यहाँ पे अच्छी आएगी, सेल्फी लेते ना दोनों एक साथ। क्या नहीं नहीं, वो ना जहाँ दरख्त जाता है वहाँ निकालेंगे, चलो चलो फिर वहीं चलते हैं। तो गाइस ये लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी फोटोग्राफी के लिए और सिनेमैटिक वीडियो के लिए भी, और हमने यहाँ पे थंबनेल के लिए सोचा कि यहाँ थंबनेल के लिए पिक्चर निकालते हैं। तो अब चलते हैं सब्ज़ी लेने, बहुत टाइम हो गया तो घूम लिया, तो घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो जल्दी से निकलते हैं। छः अंडे लेने हैं, 100 रुपये की दही लेनी है। थैंक यू, ये पकड़ो। अंडे और दही ले लिए, तो सुबह सब्जी वाले के पास हम आ गए हैं, एक मुर्गी वाला एक सब्जी वाला, तो लेना क्या है? एक किलो टमाटर, एक किलो टमाटर लेंगे और एक मुर्गी लेंगे। हाँ भाई,
ये वाला है, ये हाँ ये बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, लगता है काम चल रहा है। ये 250 का सामान, 100 रुपये का दूध दे दो। भाई अभी मैं दूध लेने आया हूँ और ये सब्जी हमने ले ली है, तो आज हमारे घर में मुर्गी बनेगी। ये मसाला गाजर खीरे सलाद वगैरह, और अंडे क्यों लिए हमने? अंडे काम में है, ये सुबह के लिए। चलो भाई तो अब चलते हैं घर, बारिश शुरू होने से पहले ही हम घर पहुँच गए। तो गाइस खाना बन चुका है, सलाद और चावल की रोटी और चक्की के आटे की रोटी और मुर्गी सब कुछ बन चुका है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि आज जो मैं अपनी मूछें या थोड़ी काट लूँ या तो सारी काट लूँ बिल्कुल, या तो थोड़ी हल्की सी काट, पहले मैं हल्की सी काट के देखूंगा, देखता हूँ कैसे लगूंगा, फिर मैं सारी काट लूँगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो सारी काट दूंगा, तो फिर मैं देखता हूँ कैसे लगूंगा। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और हल्की सी मैंने मूछें भी काट ली हैं और थोड़े बाल भी थोड़े अभी देखो शैम्पू वैम्पू लगाया है, तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओ फाइनली धूप निकल चुकी है, बादल खत्म हो गए, बादल चले गए काले काले बादल। ओए होए 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 होए, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता कबूतर की आवाज है। दोनों मियां बेबी थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे कमरे के अंदर, तो मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो वो उड़ गए। गाइस एक सरप्राइज है जो निजाम भाई लेकर आए हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं उसके अंदर क्या है। एक बड़ा सा बॉक्स है, देखते हैं उसके अंदर क्या है, जल्दी से देखते हैं। निजाम भाई तो आ चुके हैं और बॉक्स ये रहा, तो जल्दी से अनबॉक्स करो निजाम भाई इसको, जल्दी से देखते हैं क्या है इसमें। इसमें गिफ्ट तो नहीं है मेरे लिए है? ये गिफ्ट नहीं है। ओह माय गॉड, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा पुराना वाला खराब हो गया, नया वाला देश में थोड़ी लेके आया, तुम्हारा देश थोड़ी है ये, तो इतना बोल रहे हैं क्या? ओए होए होए होए, क्या बात है, बिल्कुल न्यू चूल्हा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोव। स्टोव स्टव स्टव STOW STOV ब्लैक कलर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। तो पीछे क्या है? अच्छा इसमें सेल भी लगते हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा ये छोटी जगह, छोटे बर्तन इसमें आ जाएंगे, बड़े बर्तन इसमें आ जाएंगे। क्या हुआ, खराब हो गया? नहीं लग रहा है। ये ले भाई, ये इधर आ गया, मैंने ये वाला इधर आ गया, इससे आवाज़ आती है, ये कैसे? अभी इसमें थैली लगी हुई है, थैली उतारू ना इसकी? थैली कौन सी थैली है? अभी लगी है इसको, इसके ऊपर शॉपर लगी हुई है प्लास्टिक। ओ हो हो, ये निकलने के बाद तो और ऐसी लग रही है। आवाज कैसे आ रही है? तुम भी आ जाओ, खोलो ना। ये क्या निकला है? ये टूट गया क्या इतनी जल्दी? हो गई अनबॉक्सिंग, अभी इसको किचन में ले जाओ और चाय बनाओ, देखते हैं आज चाय कैसे बनती है। ओए दोबारा दोबारा, अरे आम ये रहा पुराना चूल्हा, यहाँ रखूँ? ये क्या है, ये इधर खड्डा क्यों है? पुराना वाला है, क्या हालत हो गई है इसकी? कहीं जाना है क्या? इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? तुम जाओ हम कर लेंगे, जा मड़ा जा। इसके नट खुलेंगे, उंगली काली हो गई मेरी। कैंची, कैंची क्या करनी है? ये लो, वॉल कहाँ है इसका, ये जो बंद करने वाला है? पहले ही काट दिया, इसमें से खुश आवाज आ रही थी। इसका मुंह बड़ा होगा। अच्छा दो, ये ले माचिस भाई, ये ले ये ले। इसका ये सुराख कितना बड़ा है, किधर है इसका वो, किस में लगेगा? अच्छा ये रहा, मिल गया। क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो? आग नहीं दिखाओ भाई,
पेन हो जाएगा, दिखा सकते हैं तुम्हारा चैनल पेन हो जाएगा, वो टाइटल पे लिख नहीं सकते फिर वो वीडियो रिमूव हो जाती है। जल्दी जल्दी लगाओ, हमें चाय पीनी है भाई, चाय बना के पीनी है। हमारे घर में रोटी नहीं बनी ना, तो वो है क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, चूल्हा है ना ये उर्दू में, इसको क्या बोलते हैं यार, स्टोक, स्टोव, हम सिंधी सिराकी में इसको चूल्हा बोलते हैं। तो ये वो ही लेकर आया है चूल्हा, और चूल्हे पे जो रोटी नहीं बनी तो ये ढबर रोटी खा रहा है। हाँ चूल्हा, अब याद आया, चूल्हा बोलते हैं इसको। तो इसको भूख लगी है तो ढबर रोटी खा रहा है, दाल से, आज दाल बनी थी ना इसलिए। हाँ भाई बन गया, कब बनेगा ये, चाय पीनी है। ये भी तो निकाल ले शॉपर, इसमें बीच में लगी हुई है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, जैसा मार्बल है वैसा ही हमारा चूल्हा है, ये इस पे शॉपर अभी तक लगी हुई है। दोबारा दोबारा लगाओ चाय। अरे तो ऐसे ही ध्यान है तो हो, क्या बोल रहा है, वाओ ये अच्छी लग रही है। ओ हो हो हो, अब बोलो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस फाइनली चाय बन चुकी है और पापे भी आ गए हैं, तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं, एंजॉय। सो गाइस चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, और यहाँ पे जो इलियास बैठा है अपने यूनिवर्सिटी का जो है असाइनमेंट कर रहा है, और गाने चलाए हुए शाहरुख खान के, हमारे असाइनमेंट जो होते हैं व्लॉग बनाने वाले, मार्केट सर्वे करने वाले, और ये देखो कितना बोरिंग असाइनमेंट है और ये फिर भी कर रहा है, इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई है इतने सारे पेज लिखे हैं इसने। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। लगता बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं नज़दीक, तो जल्दी से घर पहुँचते वरना गीले हो जाएंगे हम।